रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर आज इंडेक्स में एक पुल बैक हमने ऑब्जर्व किया और इंडेक्स ने 448 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अट्ठतीस के लेवल पे क्लोजिंग दी है आज के अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें तो आज के दिन में इंडेक्स ने 603 पॉइंट्स का हाई बनाया है और 38,945 के लेवल का हाई था आज इंडेक्स का और अगर हम लोअर साइड पे देखें तो अट्ठतीस का इंडेक्स ने आज के दिन में लो बनाया और चौरासी एशारिया पैंसठ पॉइंट की लोअर साइड पे हमने इंडेक्स में डिक्लाइन देखी है अगर हम हमर्स वॉल्यूम साइड पे देखें तो आज के दिन में इंडेक्स में एक मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए हैं जबकि कल यह वॉल्यूम्स दो सौ मिलियन शेयर्स के लेवल पे रिकॉर्ड किए गए थे अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में ए, हमें एक अच्छी बायबैक नजर आई और ख़ास पर इसमें सिस्टम का शेयर था और टी इन दोनों शेयर में अच्छी एक्टिविटी की वजह से हमने मार्केट में एक अच्छा ए, पुल बैक देखा इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आज हमें अच्छा बाइंग ट्रेंड नज़र आया इस सिलसिले में आज के दिन में हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो मेन कंपनीज हैं एफ एफ सी एफ एफ बी एल ई फर्ट उनकी जो इस क्वार्टर की और एनअल अर्निंग्स हैं एक्सपेक्टेड उसका एनालिसिस आज हमने उस वीडियो में शेयर किया है और साथ साथ जो उनकी डिविडेंड एक्सपेक्टेशन हैं वो भी उस वीडियो में आज शेयर की गई हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए और वो उसमें आपको एक इनकी जो प्राइस एक्शन है और जो उनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और पीआउट हैं उसके बारे में हमने बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है तो व्यूअर्स ये तो एक ब्रीफ सा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया इसमें कल के दिन हमने अपनी वीडियो में आपको रेकमेंड किया था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आपको कल के दिन में अगर डिप मिले तो आपको उसमें पोजीशंस को बाइंग करनी है और वैसे भी हमने इन जनरल भी आपसे बात की थी कि मार्केट के लेवल्स काफी डाउन साइड पर आ गए हैं तो आपने अपने जो आपके पास कैश है या जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका एटलीस्ट ट्वेंटी थर्टी परसेंट जो है वो आपने अभी इन लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं तो उसके साथ साथ आपको शेयर्स सजेस्ट किए गए थे जिसमें ओ जी डी सी पी पी एल सिस्टम्स बैंक्स के एक दो शेयर्स आपको बताए थे और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर का हमने आपको बताया था तो उस पर हमने देखा कि सिस्टम में जिस तरह कल तेज़ी के साथ डिक्लाइन हुआ था आज उसी तेजी के साथ सिस्टम में दोबारा से हमने एक अपसाइड देखी इसी तरीके से ओ जी डी सी पी पी एल एस एन जी पी इसमें भी हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया तो द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन गुड शेयर्स आप देख लें कि कल एक न्यूज़ की वजह से जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मार्केट में एक पैनिक आई और उसमें आपने देखा कि सिस्टम्स में बहुत बड़ी गिरावट आई लेकिन जैसे ही आज थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं तो सिस्टम उसी तरीके से उन लेवल्स पे वापस आ रहा है तो अच्छा शेयर है जिसकी अर्निंग पोटेंशियल है वो जिस तेजी से नीचे करता है न्यूज़ की वजह से तो वो उसी तेजी के साथ फिर उसकी वापसी भी होती है लेकिन टीआर का केस थोड़ा डिफरेंट है टीआर में कल भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हुई है और आज उसमें हमने उसका रिटर्सल देखा थोड़ा सा उसको आज हमने बाय बैक एक्टिविटी देखी बट स्टिल वी फील इट्स अ स्पेकुलेटिव शेयर इसमें हमें थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए तो व्यूअर्स कल के दिन में एक बड़ा डिक्लाइन था और आज उस डिक्लाइन से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ न्यूज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की और उसमें बेसिकली रिपोर्ट ये आ रही है कि जूबली लाइफ का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने कल के दिन ना सिर्फ अपनी होल्डिंग्स को सेल किया बल्कि अपनी जो रिडेम्शन थी उसको भी उन्होंने एकदम से ऑफलोड किया है और उसकी वजह से मार्केट में एक हैविक क्रिएट हुआ और मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई इस सिलसिले में जिन शेयर्स में पैनिक सेलिंग की गई वो सिस्टम टी लकी एंग्रो पी पी एल ओ जी डी सी पी एस ओ एस एन जी पी के शेयर्स हैं तो इस तरह की जो व्यवर्स एक्टिविटी होती हैं ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को काफी टेंड करती हैं और आज भी डिफरेंट फॉरम से बात जा रही है कि ये जो इस तरह का एक्ट है इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और इस पर रेगुलेटर को जो कंसर्न पार्टीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके एक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा मार्केट में इस किस्म की करप्ट प्रस को डिस्करेज किया जा सके उसके साथ साथ आज के दिन दो तीन अच्छी खबरें भी आई हैं हम रिपीटेडली आप लोगों को बता रहे हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मार्केट के लिए एक कलीदी हैसियत रखता है इसकी परफॉर्मेंस के लिए एक कलीदी हैसियत रखता है और उसमें आज हमने सर्टन डेवलपमेंट्स देखी हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस की प्राइसेस में इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए 179 परसेंट का इंक्रीज अप्रूव किया है और दिस इंक्रीज इज फॉर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स और इसमें जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर और Uh, जो लोकल गैस कंज्यूमर्स हैं उनको भी एग्जाम रखा गया है लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज के लिए गैस की प्राइसेस में एक बड़ा इंक्रीज है एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट फरवरी 2023. तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि वी आर हेडिंग टू आईएमएफ प्रोग्राम और गवर्नमेंट जो है अब उस पर उसने अमल दरामद तेज़ कर दिया है इससे ऑब्वियसली एस एन जी पी एस एस जी सी ओ जी टी सी पी पी एल इनको फायदा होगा और फर्टिलाइजर सेक्टर क्योंकि अभी इसमें एग्जेंट है तो वो भी इससे एज सच इफेक्ट नहीं होगा तो ये थोड़ी सी अपडेट थी लेकिन जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो कि गैस पे चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है इसलिए इसी तरीके से कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जो कि गैस प्लांट्स रन करती हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट रख सकता है कुछ सीमेंट के भी प्लांट्स हैं जो गैस पावर्ड हैं तो उसमें भी ये चीज थोड़ा सा उनके लिए भी नेगेटिव हो सकती है इसके अलावा आज हमने स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया मार्केट में और उन्होंने कहा कि अगले महीने से पाकिस्तान में डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे ये इस चीज को फर्दर री करता है कि गवर्नमेंट ने आप तेजी के साथ आई एम के प्रोग्राम में जाने के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं इसके साथ साथ सुबह हमने आपके साथ न्यूज शेयर की थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की माद में जो फर्स्ट क्वार्टर की साल की थी उसमें गवर्नमेंट ने फोर पॉइंट फोर सिक्स रुपीज पर यूनिट का जो है वो इंक्रीज अप्रूव किया है और ये अभी अगले दो महीने के जो बिल्स आएंगे उसमें ये चीज अपने कंज्यूमर से कवर की जाएगी तो व्यूअर्स काफी तेजी के साथ अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि वो आईएमएफ का जो रिव्यू है उसको कंप्लीट करे और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको हासिल करे दिस इज अ गुड डेवलपमेंट फॉर द मार्केट पर स्टिल द मार्केट रिस्क लेवल इज वेरी हाई क्योंकि अभी तक वी डोंट नो कुछ टाइम नहीं है कि ये आई एम एफ का प्रोग्राम हमें कब तक मिलेगा इसके साथ साथ अगर हम पॉलिटिकल साइड पे देखें तो जो हमारा एनालिसिस था कि फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो कायम रहना बहुत जरूरी है खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक जो भी पोजीशन है इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए तो उस पर हमने देखा कि ये जो पीटीआई के उन्होंने इस्तीफे कबूल किए हैं तो इसके साथ साथ नो डाउट आज के पी के असम्बली भी डिजोल्व हुई लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है और जिस तरह की सरवाइव कर जाएंगे और बाई का प्रोग्राम और बाकी जो चीजें हैं उनमें काफी हद तक सक्सेस मिल चुकी होगी तो व्यूअर्स ये तो कुछ न्यूज मैंने आपके साथ आज के दिन में शेयर की जो कि न्यूज थी इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से एक न्यूज ये है कि स्टेट बैंक ऑफ के गवर्नर ने कहा है कि जो बैंक करेंसी की मैनिपुलेशन में, में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक सख्त एक्शन लिया जाएगा तो थोड़ा सा बैंक के लिए ये चीज नेगेटिव है इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक बजट लाने का भी एक दे रही है और उसमें विंडफॉल टैक्स इम्पोर्ट लेवीज इस तरह की चीजें आ सकती हैं इसमें खास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज्यादा प्रॉफिट्स हुए थे एक्सचेंज के एन सीमा में तो उन पे काफी हैवी टैक्सेशन आ सकती है तो आईंदा आने वाले सेशन के लिए व्यूअर्स हमें बेसिकली फोकस वही स्टॉक्स हैं जो हम आपको बार बार बता रहे हैं ई e सेक्टर के स्टॉक्स हैं ओ जी डी सी पी ऑल ऑयल गैस मार्केटिंग में हम एस एस है इसी तरीके से फर्टिलाइजर में अभी आज हमने एनालिसिस दिया जिसमें एफ जो है उसका काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है और उसके साथ साथ कुछ इस्लामिक बैंक्स हैं जिनमें हम अच्छी अर्निंग्स आई वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर में ऑक्टोपस और सिस्टम्स के शेयर हमें अच्छे लग रहे हैं और उसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर है तो व्यूअर्स मार्केट जो है वो अल्ट्रा चीप वैल्यूएशन पे है अभी भी तो जो वीकेंड की वीडियो में हमने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि एक तो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसमें खास तौर तो पे हमने आपको कहा था कि आपने ई एन पी सेक्टर खासतौर पर ओ जी डी सी पी पी एल है इन सेक्टर्स की होल्डिंग को मेंटेन रखना है फॉर शॉर्ट टर्म जो जिन लोगों ने कल बाइंग की है या आज उनको थोड़ा सा नीचे लेवल पे उन्होंने बाइंग की है तो वी वुड रेकमेंड के उनतालीस हजार तीन सौ से पाँच सौ का जो लेवल है इस पे अगर मार्केट्स आती हैं तो आपने इसमें प्रॉफिट सेलिंग इंश्योर करनी है अगर यहाँ से ब्रेकआउट्स आए मार्केट्स मजीद ऊपर जाती हैं तो आप ऊपर आपके मजीद शेयर ले लें बट जो भी आप बाइंग करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत लिमिटेड बाय करनी है जितने पैसे हैं बाइंग करें लेवरेज ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट का रिस्क लेवल अभी बहुत ज्यादा है तो इस वजह से छोटे छोटे ट्रेड्स करें छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाएं जब तक कि हमें मटीरियल कोई न्यूज ना मिल जाए ऑन द आई एम एफ फ्रंट और जैसी ही ये न्यूज आएगी तो अः हम देखेंगे कि मार्केट्स में काफ़ी बेहतरी आएगी इसी तरीके से ये जो गैस प्राइसेस की हाइक की न्यूज़ है बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इसका फॉर ऑल द एस एन जी पी एस एस सी ओ डी सी पी पी एल इनके लिए बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है और जैसे ही न्यूज़ आई कि सर्कुलर डेट की भी सेटलमेंट है जो कि आई एम एफ एक प्री कंडीशन है तो हमारे शेयर्स ये जो हमने आपको ट्रगेट प्राइसेस दी हैं फॉर एग्जांपल हमने आपको पीपीएल का जो लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए टारगेट प्राइस बताया था कि ये नब्बे से सौ रुपये तक जा सकता है इसी तरह ओ जी डी सी हंड्रेड रुपीज़ से ऊपर है एस एन जी पी में काफ़ी पोटेंशियल है इनमें डिविडेंड पे और उसका हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है तो इसी स्ट्रेटजी पर चलते हुए हमने इन शेयर्स में काम करना है इन्हीं शेयर्स की अपनी होल्डिंग रखनी है और इन्हीं जो, जो मैंने आपको शेयर्स बताए हैं इन्हीं में आपने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी रखनी है क्योंकि जो बाकी अदर सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वालेटिलिटी हम आइंदा आने वाले दिनों में दे सकते हैं नंबर वन कि अगर उनमें एडिशनल टैक्सेशन लगी तो उससे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर टू ये जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है इसमें जो हाईली लेवरेज कंपनीज हैं उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी गिरावट हो सकती है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी इसके साथ साथ डिमांड स्लो डाउन होने की वजह से काफ़ी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं ये जो डिमांड का फैक्टर है ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी सारे बिजनेसिस को मुतासर कर सकता है देयर फॉर वी एडवाइज यू टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन योर ट्रेडिंग एक्टिविटी सिलेक्टिव स्टॉक्स में लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आपने काम करना है एंड इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट में मजीद डेवलपमेंट्स होंगी वी विल कीप यू अपडेटेड अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज अ फ्री सर्विस तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन और ये नंबर आपके सामने इस टाइम पे डिस्प्ले भी हो रहा है थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर कॉन्टिन्यूअ सपोर्ट एंड टाइम टेक केयर अल्लाह हाफि